हेलो एवरीवन, क्लास 11th, विषय हिंदी, सीबीएसई आरबीएसई। डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 14 के आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ बेटा। जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, पूरे पोयम की व्याख्या मैंने आपको समझा दी थी, लेकिन थोड़ा सा एक बार और आपको शॉर्ट में सारा बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको बताया कि इस पाठ में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने, ठीक है, किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। किसानों की आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। कभी वे स्वाधीन था, परंतु आज उसे उसकी ही जमीन से जमींदार लोगों ने बेदखल कर दिया। महाजन ने क्रूरता पूर्वक उसके पुत्र को मरवा डाला, उसके घर द्वार बिकवा डाले, खेत तक नीलाम करवा डाले, ब्याज के लिए उस पर सब अत्याचार किए। उसकी पत्नी बिना दवा के, अर्थात पैसा न होने के कारण पत्नी का इलाज न करवा पाया किसान, पत्नी मर जाती है। दूध मोही बेटी दूध के अभाव में चली जाती है, बेटे को मार दिया जाता है। पुत्र वधु पर पति घातनी होने का कलंक मिला। एक दिन उसे भी थानेदार ने बुलवा भेजा, अगले दिन वह कुएं में डूबकर मर गई। इन सब अत्याचारों की याद करके किसान की छाती फट जाती है, ठीक है। किसान कितना दुखी होता है कि कैसे कैसे हमारे ऊपर अन्याय हुए, अत्याचार हुए, अपना सब कुछ किस तरीके से लूट गया, कैसे एक किसान बर्बाद हो जाता है। इसी के बारे में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने किसानों की उस दुर्दशा के बारे में इस पाठ में बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंधकार की गुहा सरी की उन आँखों से डरता है मन। पाठ के स्टार्टिंग की शुरू की दो लाइनें, अंधकार की गुहा सरी की, अंधकार रूपी गुफा के समान कवि ने कहा कि किसान की जो आँखें हैं वो ऐसी लग रही हैं जैसे अंधेरी गुफा के समान, ठीक है। जैसे बेटा हम अंधेरी गुफा में झांक कर देखते हैं तो हमें डर लगता है, ठीक है। अंधेरी गुफा में जाते ही एक बार डर लगता है, उसी तरह किसान की दीनता भरी आँखों को देखकर भी डर लगता है। अब इसमें से तीन चार क्वेश्चन हैं। फर्स्ट, आम तौर पर हमें डर किन बातों से लगता है। देखिए कॉमन सा क्वेश्चन है कि हमें किन किन बातों से डर लगता है, किन किन चीज़ों से हम डरते हैं। सबसे पहले तो हमें यही डर लगता है कि हमारे किसी प्रियजन की मृत्यु ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट अर्थात कोई हादसा ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई आर्थिक हानि हमें ना सहनी पड़े, ठीक है। अपमान या मारपीट से डर लगता है। सेकंड क्वेश्चन है, उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। कवि ने उन आँखों में एक उजड़े हुए किसान की आँखों की ओर संकेत किया है। उस किसान का सर्वस्व लुट चुका है, उसके खेत घर बार पत्नी बच्चे पुत्र वधु सब नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसमें उजड़े हुए किसान की आँखों की ओर संकेत किया गया है कि किस तरह किसान का सब कुछ समाप्त हो जाता है। जैसा कि पोयम में आपको बताया, सबसे पहले उनसे उनके खेत खलिहान ले लिए जाते हैं, फिर जमींदारों के दरिंदों द्वारा उसके बेटे को मार दिया जाता है, दवा दारू नहीं करा पाने के कारण, अर्थात दवाई के लिए इलाज न कराने के कारण पैसे नहीं होते, किसान का जवान बेटा मर जाता है, ठीक है। बेटे के बाद पत्नी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि घर में दवाई के लाने तक के लिए भी पैसे नहीं है। पत्नी की मृत्यु के बाद स्वयं छोटी सी बच्ची बचती है, वो भी माँ के दूध पीने के अभाव में उसकी भी मृत्यु हो जाती है, पत्नी को भी मर जाती है। तो सब कुछ किसान का लुट चुका है, उसके खेत घर बार पत्नी बेटी पुत्र वधु सब नष्ट हो गए हैं। उन आँखों में इन्हीं की ओर संकेत किया गया है। कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है। कवि को उन आँखों से इसलिए डर लगता है क्योंकि उसमें दारुण निराशा व्याप्त है। उनमें दूर दूर तक
घोर अंधकार है, उनमें भय है, खालीपन है, दुख और भय व्याप्त है, इसलिए कवि को उन आँखों से डर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? कवि को पीड़ित किसान की आँखों को देखकर भय लगता है, ठीक है, फिर भी वह उसका दुख व्यक्त करना चाहता है, वह उसके दुख के बारे में समाज को बताना चाहता है ताकि लोग उससे सहानुभूति रखें, ठीक है, लोग उसके प्रति सहानुभूति रखें, उसके प्रति अत्याचारों, महाजनों और थानेदारों का पर्दाफाश हो सके, इसके कारण किसान की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता क्या तब भी वह कविता लिखता? यदि कवि इन आँखों से न डरता तो भी वह कविता लिखता? यदि देखिए कवि को किसान की आँखों को देखकर भय न लगता तो शायद उसे उसकी पीड़ा का बोध न होता और शायद फिर कविता ना लिखी जाती। अगर किसान उन आँखों से कवि न डरता तो शायद वो फिर कविता ना लिखता। ठीक है, कवि कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया? क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार बताया गया है? ठीक है, देखिए इस कविता में किसान की पीड़ा के लिए महाजन तथा क्रूर कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। महाजन और क्रूर कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। महाजन ने अपना ब्याज तथा ऋण वसूल करने के लिए उससे खेत, बैल और घर बार बिकवा दिए। ठीक है, उसके कारकुनों ने किसान के जवान बेटे को मार डाला। लाचार किसान पत्नी की दवा दारू न कर सका, अतः वह भी चल बसी। इसके बिना उसकी दूध मोही बच्ची का देहांत हो जाता है। इस प्रकार महाजन के क्रूर अत्याचारों के कारण, ठीक है, क्रूर अत्याचारों के कारण किसान की बहू पुत्रवधू कुएं में डूबकर मर जाती है। ठीक है, तो समझ आ गया बेटा, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया? महाजन और कोतवाल को। तो देखिए किसान को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, पिछले सुख की स्मृति। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती। इसमें किसान की किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? इस पंक्ति में किसान के पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है, वे इस प्रकार हैं। किसान कभी हरे भरे खेत लहराते थे, कभी किसान के जो अपने खेत थे उसमें हरियाली ही हरियाली थी, वो खेत कभी लहराते थे, उसकी हरियाली को देखकर उसका तन मन प्रसन्न हो जाया करता था। ठीक है, तब वह स्वाधीन था, उसके पास अपने कहलाने को कुछ खेत थे, उसी से उसका मस्तक ऊंचा उठता था, वह उसकी आंखों में चमक थी, दृष्टि में स्वाभिमान था, उसका एक प्राण प्रिय जवान पुत्र था, उसका निजी घर था, हस्त पुष्ट बैलों की जोड़ी थी, उसके पास एक सफ़ेद गाय थी जो स्नेहवश बस उसी को ही दूध दोहने देती थी, उसके परिवार में पत्नी, बिटिया और पुत्र वधु थी। ये सब दुर्भाग्य से एक एक करके नष्ट हो गए, इन्हीं की स्मृति उस किसानों की आंखों में चमक ला देती है। अर्थात जब किसान अपने उन अच्छे दिनों को याद करता है, ठीक है, अपने खेतों के बारे में सोचता है, खलियानों के बारे में सोचता है, ठीक है, अपने सभी
परिवार के सदस्यों के बारे में सोचता है, अपनी पत्नी, बेटा, पुत्र वधू, बेटी, ठीक है, अपने हस्त पुष्ट उन बैल, जब उन्हें याद करता है तो उसकी आँखों में एक चमक सी आ जाती है, ठीक है, उनकी स्मृति उस किसान की आंखों में चमक ला देती है, लेकिन ये सब दुर्भाग्य से एक एक करके नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। पूरी पोयम मैंने आपको अच्छे से समझा दी है बेटा, लेकिन फिर भी यहाँ आपको दोबारा से एक एक लाइन का समझा रही हूँ। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। संदर्भ, इसमें महाजन के अत्याचारों से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। संदर्भ होता है प्रसंग, कि किस बारे में बताया गया है, किसकी बात की गई है, क्या बात की गई है इन पंक्तियों में। देखिए, इसमें महाजन के अत्याचारों से पीड़ित किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है, कि महाजनों की के अत्याचार से पीड़ित किसान की उजरी गाय का वर्णन किया गया है। उजरी गाय अपने स्वामी किसान से ही प्यार करती है, ठीक है, उजरी गाय जो है वो अपने स्वामी किसान से प्यार करती है, वह उसी को ही अपना दूध दोहने देती है। जब उसे ज़बरदस्ती छीन कर नीलाम कर दिया गया तो उसने दूध देने से इनकार कर दिया। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। घर में विधवा रही पतोहू, नेक्स्ट, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिनी। देखिए, महाजन के दरिंदों ने किसान के जवान पुत्र को मार डाला, तो घर में उसके इस कारण उसकी पुत्र वधु विधवा हो गई। उसकी स्थिति का चित्रण करते हुए कवि क्या कहता है कि किसान का पुत्र नहीं रहा, उसके मरने से उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था, फिर भी समाज ने उसे पति घातिन कहना शुरू कर दिया, उस पर ज़बरदस्ती दोष मरता है। यह कलंक ढोते हुए वह विधवा उस घर में लक्ष्मी के समान थी और वही कमाकर घर चला रही थी, ठीक है, किस तरह वो अपना घर चला रही थी, घर का पालन पोषण कर रही थी। और देखिए, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी यद्यपि पति घातिनी, घर में विधवा बहू, किसान की विधवा बहू थी घर में, उसके बेटे को जमींदारों के दरिंदों ने मार डाला, ठीक है, और उसकी पुत्र वधु पर किस तरह पति घातनी का आरोप लगाया गया और उसे कितनी यातनाएं सहनी पड़ी और फिर उसे भी एक दिन मरना पड़ा। नेक्स्ट है, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ गई चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। देखिए, इसमें क्या कहा गया है, कवि इसमें क्या कह रहा है, कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है कि किस तरीके से पिछले सुख की, किसान जब अपने गत वैभव और सुख की याद करता है, ठीक है, तो उसे क्षण भर के लिए सुख और आनंद मिलता है, ठीक है, उसकी आंखों में चमक भर आती है, उसे अपने खेत, गाय, पुत्र, पत्नी, बिटिया, पुत्र वधु की कल्पना सुख देने लगती है। किंतु जब उसकी कल्पना धीरे धीरे गहरे चिंतन में उतरती है तो उसकी नज़रें कहीं शून्य में घड़ी की घड़ी रह जाती हैं, उसे एक एक करके सबके नष्ट होने की याद आती है, तो वे स्मृतियाँ उसके लिए दुखदायी बन जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, ठीक है,
क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत सुनने में गड़वे चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। कि जब वो अपने पिछले अच्छे दिनों को याद करता है किसान की, तो उसके मन में एक स्वाभिमान सा झलकता है। कैसे उसके खेत थे, पूरा भरा परिवार था, ये सब स्मृतियाँ उसकी आंखों में एक चमक ला देती हैं। लेकिन ज्यों ज्यों उसे ये सब ध्यान आता है कि अब ये सब कुछ उसका नष्ट हो गया, तो किसान बहुत अधिक दुखी होता है। ठीक है, दुखी होता है, परेशान होता है, उसी पीड़ा को बताया गया है। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। कोई डाउट हो बेटा तो आप अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना, कोई भी डाउट आप अपने मन में मत रखना। अब इसमें एक क्वेश्चन है, घर में विधवा रही पतो, खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूजी आती। ठीक है, एक न सही दूजी आती, इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। इस क्वेश्चन को आपने अपने आप करना है बेटा। ठीक है, घर में विधवा रही पतो, खैर पैर की जूती जोरू, एक ना सही दूजी आती। ये लास्ट पंक्तियाँ बताई गई थी ना कि पत्नी मर गई तो कोई बात नहीं, पत्नी तो उपेक्षित समझा जाता है, अर्थात पैर की जूती के समान समझा जाता है, लेकिन बेटा कहाँ से आएगा। इस पर इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखिए। ठीक है, ये आपको खुद करना है। ओके बेटा, सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं, और कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। ठीक है, डेली का वर्क आप डेली करिए, नेक्स्ट डे मैं इसकी PDF आपको सेंड कर दूँगी। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।